producers though. They are nice people. No, they are really nice. They are very nice. Yeah. Understanding also. Ah. I want my ideal man to be a man. A man. A man. No, not every man. जिंदा होना चाहिए. जिनके साथ काम करते हो सबकी शादी हो जाती है. मैं हूँ ना. नहीं तुम हो. पर तू इंटरेस्ट नहीं है. इसमें लिखा है. ये लाइन ऐसे लिखी है. यहाँ हाँ. मेरा काम है बताना. मैं बता रही हूँ. हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं. Hi everybody, welcome back to our beautiful spicy little show jiska naam hai Spice It Up with Tanvi, and I'm so happy to have this beautiful real couple Himanshi and Vijendra jinhone itna acha show kiya tha Teri Meri Doriya which ran for over 18 months, ladies and gentlemen. Both of them have been working non-stop. They are talented, they are sweet, they are kind-hearted. Zorda taaliyon ke saath swagat kijiye hamare aaj ke guests ka. I forgot to tell you all ki un dono ne bahut sara acting bhi kiya hai. I'm jealous of them, but I'm very happy also. I'm very, very grateful for you. I mean, that you both are here. Do not mind me. मैंने आपको बोल रखा है मैंने 6 कप कॉफी पी ली, so I'm highly caffeinated right now. So this extra pump of energy is only coming because of the caffeine. No issues. हमको कोई problem नहीं है. How are you? Are you doing good? I'm very good. और मैं इतनी कॉफी नहीं पी कर आया हूँ ना, इसलिए आराम से बात कर रहा हूँ. Same level पर नहीं हूँ अब. Coffee please. How are you doing? I am good. फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था आप दोनों का? फर्स्ट था कि जब मॉक शूट किया ना तो प्रोफेशनल और गुड एक्टर, ये दो ही चीजें आई थी दिमाग में. सेम सेम सेम. ऑफ कोर्स आई न्यू दैट काम करने में मजा आएगा क्योंकि उस टाइम पर, बल्कि अभी भी होता है ना कि काम पर फोकस करना है, शो अच्छा होना चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, एंड आई न्यू दैट ही इज लाइक वेरी लाइक वर्क के ऊपर काफी ध्यान देते हैं. तो आई वॉज एक्साइटेड कि यार सीखने को ही मिलेगा. सीखने को मिला. मैंने सीखा. एंड देन कट टू बाद में लाइक ड्यूरिंग द शो यू वर लाइक ये क्या है, ये तो इतना ऐसा, ये तो ऐसी, लाइक व्हाट वाज इट, लाइक व्हाट वाज योर रिलेशन? कुछ भी नहीं हुआ. एंड हमने 1.5 साल काम किया और उसमें कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं हुई कि ये कैसा है वैसा है. डोंट गुड वे लाइक अरे तो कि हमने इतना हां ओवरएस्टिमेट कर दिया तो. एग्जैक्टली. हाँ वैसा इतना कुछ नहीं था. बट देन वी ऑल, एक महीना लगा हमें बिकॉज सीन साथ में नहीं होते थे. बाद में धीरे धीरे सीन होने लगे तो कंफर्ट लेवल भी आ गया. एंड देन इट वॉज वाइल वर्क, इट वॉज ऑलवेज लाइक कि सीन को बेटर करें, अच्छा करें. टीम बहुत अच्छी थी हमारी, बहुत अच्छी टीम थी. वन ऑफ द बेस्ट टीम्स आई हैव वर्कड विद इन ऑल द शोज, उनमें से मतलब एक है. तो वो कंफर्ट लेवल था. So we were always working towards the betterment of the show and the craft. बहुत positive atmosphere होता था हमारे show में. Oh, that's very nice, huh? Like talking about work, आप दोनों ने काफी, you've both done like quite a lot of work. तो एक चीज that you've learned over the years, जो आप मुझे बोलना चाहोगे, तन्वी listen, this is what I didn't know, this is what you should know. Like both of you, in your respective, दोनों के अलग होंगे lessons, I'm sure. Starting with you and then I'll come to you. If you're talking about television acting वगैरह, तो I sometimes see people के काम ना कई बार ऐसा सोच के आते हैं कि आ गए, साइन कर दिया और पर डे आ गया और हो गया. इवन इफ यू आर डूइंग अ सेकेंडरी कैरेक्टर या फिर पैरेलल कर रहे हैं, या ये एक माइंड सेट आता है. जब शो नहीं होता है तब शो चाहिए होता है. बट शो मिलने के बाद में इट्स ऑलवेज लाइक कि अरे यार, यू नो, मुझे इतने बजे जाना है, मुझे इतने बजे निकलना है, मैं इतना टाइम नहीं हूँ, 100% नहीं दे रही हूँ. तो फिर लॉन्जिविटी नहीं रहती है. मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि आपको हर शॉट, फर्स्ट शॉट हो या लास्ट शॉट हो शो का, यू हैव टू गिव योर बेस्ट ऑलवेज. दैट्स व्हाट. ज़्यादा ज्ञान हो गया. वेरी गुड. मतलब इट्स एक्चुअली वेरी नाइस. या थैंक्स. आप बताना क्या था वैसे? एनीथिंग दैट यू हैव लर्न्ड, आपने एनीथिंग दैट यू हैव लर्न्ड जो आपको मुझे, लाइक मुझे या फिर इन जनरल एक्टर्स को बोलना हो कि लिसन, दिस इज व्हाट आई डिडंट नो, आई लर्न्ड दिस इतने सालों में काम करके.
इतने सालों मतलब हर जब जिस भी प्रोजेक्ट में गए हैं हर बार सीख कुछ अच्छा ही लेकर आई हूँ मैं, बट इतना था कि इस शो में मुझे आई वॉज ब्लेस्ड कि आई हैड सम एक्टर्स जो एक्चुअली दे रिस्पेक्ट देयर जॉब्स, अटेंटिव है, क्योंकि पहले कभी मतलब ऐसे था कि कुछ स्टारडम में है दे आर मोर फोकस्ड ऑन द ट्रीटमेंट काम दिख मतलब, रहे नॉट दिख रहे हैं कि ट्रीटमेंट व्हाट दे आर गेटिंग कि मेकअप रूम्स कैसे होने चाहिए और ये सब कैसे होना चाहिए, तो दे आर सेकेंडरी थिंग्स, वो तो तब आएगा व्हेन यू आर वर्किंग गुड एंड व्हाटएवर. तो आई थिंक मेजर आपका फोकस शुड बी ऑन योर वर्क एंड कि हमारी सीन का हिस्ट्री क्या है, हम व्हाट वी आर सपोज टू परफॉर्म एंड इसके आगे क्या व्हाट वी आर लीडिंग टू, सो दोस थिंग्स. विद दैट वी विल टेक अ छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक. Hi guys, welcome back. I hope you had छोटू सा क्यूट सा ब्रेक. We've also had a छोटू सा क्यूट सा ब्रेक. Okay, are you ready for the next round? Yes. Before we go into the second round, I just had one question because you've done Shaika ka show, I have done Shaika ka show. You are going to do Shaika ka show. You will be in future be doing Shaika ka show. So how important do you think relationship matters? Because you know, आप consecutively whatever that word is, you've been working with them. So how important do you think the relationship is between an actor and the production house? Or वो कैसे मायने करता है in like everything that you It's very important. Okay. Very Why? Because आप उस जगह पर रोज आ रहे हो एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको जो चेहरे रोज दिखते हैं उनके साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग हो. उनके साथ ही ट्यूनिंग नहीं होगी वही कॉल टाइम देने वाले हैं आपको, वही आपके साथ एक्स्ट्रा एडजस्ट करने वाले हैं. प्रोड्यूसर एक्टर का हमेशा अच्छा ही होना चाहिए और एन एक्टर शुड ऑलवेज थिंक अबाउट द प्रोड्यूसर बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारा बहुत मेहनत जाती है शो लाने में. आई नो इट माई सेल्फ बिकॉज दर्द पता है मुझे, बहुत दर्द होता है. आई थिंक वंस यू बिकम अ प्रोड्यूसर यू विल बी अ बेटर एक्टर आई थिंक नाउ, क्योंकि यू नो ना कि कितना हर कोई काम मतलब हर कोई चाहता है कि अच्छा शो बने विद द लीस्ट मनी, मतलब हर कोई चाहेगा कि पैसे बचाए. हाँ, पैसे बचाना तो एक चीज होती है और इतनी सारी चीजें देखनी होती हैं. जस्ट नॉट कि आपने बस पैसे लगा दिए और शो हो गया. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, मीटिंग्स, शो लाना, कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करना. तो ऑफ कोर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दैट एंड नॉट गिव एनी ग्रीफ टू देम, नॉट दैट कि बिच जाओ. ऐसा भी नहीं कि भाई एकदम प्रोड्यूसर की डोमैट हो जाओ. हाँ जी हाँ, जरूरी करना है, वो भी नहीं करने की जरूरत है. बस आपको अपना काम टाइम पे करना है, डिसिप्लिन रहना है और अच्छा देना है. तो वो एक रिश्ता है जो होना चाहिए और प्रोड्यूसर्स का भी ऐसा ही होना चाहिए कि काम करवाया है, टाइम पे पैसा देना चाहिए और ऐसे ही चलती रहती है गाड़ी. तो विद आवर प्रोड्यूसर्स कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है. अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई भी होगी तो हमेशा सॉल्व करने को वो रेडी थे. कभी कोई ऐसा उनको लग रहा है कि उन्हें कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा काम करना है या फिर कोई चीज़ें चेंज कराना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, तो उन्होंने हमें अप्रोच किया हमेशा. तो हमने एमकेबली हमेशा काम किया. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट्स व्हाई मे बी काम आपका अच्छा है, आपके रिलेशन अच्छे हैं तो काम मिलता रहता है. फिर दैट रिफ्लेक्ट्स. There was this rumor about your show कि आपके कोई एक्टर ने बोला था कि you know Shaika is being not loyal and they've said like lies about you know कि promised something and didn't give. I think it was one of your I don't know some actor she told and then was like what was that rumor all about? Do you know? See. वो रूमर थी क्या थी, उनके बीच में क्या बात हो रही थी, इट नेवर केम टू अस. और हमारे साथ में एक्टर्स ने भी बात इस बारे में नहीं की है. मे बी फॉर रीजंस की शायद उनको लगा होगा कि क्या ही बात करनी है, क्या ही कोई समझेगा उनका दर्द. उनके साथ क्या बात हुई है, वो क्या डील किया है उन्होंने, हमको मालूम नहीं है. बट इफ यू आस्क अस, इफ यू आस्क मी, तो मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है. तो मैं कॉमेंट नहीं कर सकता हूँ इस बारे में. उनके साथ क्या बात हुई है, क्या डील हुई है, क्या प्रॉमिस हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो जाने. वो भी मे बी सच कह रहे हैं या फिर झूठ भी हो सकता है. सो
वी आर नॉट द राइट पीपल. अच्छा, यू डिडंट नो ओनली बिकॉज़ आप दोनों यू नहीं फिट फिट चल रही है, कुछ कुछ चीजें चल रही हैं, ऑब्वियसली एवरीबॉडी नोज, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वी डोंट नो कि कुछ है. बट हम दोनों ही ऐसे हैं कि हम कभी किसी के ना फड्डे में पड़े नहीं, कभी कि गॉसिप करनी है, ये करनी है, वो सब किया नहीं. काम करो अपना और निकलो. वेरी बोरिंग पीपल यू विल फाइंड. दिस इज नॉट बोरिंग, दिस इज द वे इट शुड बी. या या, इट्स गुड. या, we don't have any masala to give. No, to this morning. That way we are boring. That's really fine. I will get the masala in the segment called love. Okay. So what's happening, guys? What's happening? Love wise. What's happening? What's happening? Nothing happening in my life, though. Oh. Such a great transition. I loved it. It's sad, also, no? No, yeah, it is. It thoda is sad. Ah, little. But ठीक है, कोई नहीं. तो अभी recently single की single since. Since I don't remember, but yeah, since I have. Like forever. Whatever, but yeah, I keep myself busy. तो ऐसे तो yeah. क्यों मतलब? Work is my relationship. I'm in my work relationship. हैम्पर ही नहीं देंगे हम. थैंक्स. अरे नहीं नहीं ऐसे मत. आई एम इन माय वर्क रिलेशनशिप. व्हाट वुड यू लाइक इन योर आइडियल मैन? लाइक डू यू हैव यू थॉट अबाउट दैट? आई सी इन माय आइडियल मैन सोचा है इट्स आई थिंक आई वांट माय आइडियल मैन टू बी लविंग, रिस्पेक्टफुल, caring, good points, and a man. No, jinda hona chahiye. Mujhe dekh jaye. Not every man is caring and respectful. मतलब you need to respect your partner, of course. Love. I'm just kidding. Yeah. How dare you? But yeah, मतलब अच्छा इंसान होना चाहिए. I don't think about it actually right now. Are so you? Let's not think okay, about that. Okay. Yeah. So what that way it will help me. Sir. ये research नहीं की है क्या? अरे शादी हो गई. आपकी शादी हो गई. शादी हो गई ना? सबकी शादी हो गई यार. आप मैं जिनके साथ काम करती हूँ सबकी शादी हो जाती है. मैं हूँ ना. नहीं तुम हो. हाँ मैं हूँ ना. और तू interest नहीं है. Are you interested? अरे मतलब my mom just so, single party. Okay, who's most likely to be the funny one? I mean, funny. Joker थोड़ी है यार. Yeah. Joker थोड़ी है. हाँ लेकिन हाँ funny में see depends. मेरा कभी mood में हूँ ना तो I can be the funniest most likely person on the set. और अगर कोई सीन में गड़बड़ है, कंटिन्यूटीज के इशू हैं, क्रिएटिव लेवल पे लॉजिक नहीं है तो मेरा मूड खराब हो जाता है. फिर मैं आई एम वेरी लाइक रिजर्व. काम करो, अच्छे से करो जो सीन है, लेकिन आई एम नॉट लाइक टू आई एम नॉट टॉकिंग मच एंड एवरीबॉडी देन नोज ऑन द सेट की गुस्सा है. बट इफ आई एम इन अ गुड मूड देन तो आई कैन लाइट अप द सेट. रियली? नॉट लाइक लाइटिंग नहीं करूंगा. I can light up with my smile, vibes. My vibe and everything. Understood. Strong. But ye kafi. She's very prim and proper. Dikhta hai. She's like that. That's good. Thank you. Who's most likely to be late on set? Neither of us. Please. Huh? No. Neither wow. of us. Right. Who has? But he comes extra early. Oh, wow. He comes like 10 minutes before. I don't come like 10 minutes before. I try to come like 5 minutes या on time or whatever. But he comes like because मुझे icing करना है, ये करना है, तो I will take time. थोड़ा time ले. अब आप अगर late आ रहे हो, तो फिर पीछे पड़ जाएंगे ना. आप आते हैं कि sir ये ready है, sir lighting ready है. Then I will lose it. अगर मुझे पता है कि अपने आपको काम रखना है, तो मुझे ही effort लेना पड़ेगा. तो मैं अपना ही time पे. लेकिन आप सही रहेंगे ना, तो आप दूसरों को सही रख सकते हैं. सिंपल फंड है. दैट्स ट्रू. आप ही गलत है तो आप दूसरे को क्या बोलेंगे? लेट आके यू कांट येल ना. येल ना यार. हे यू व्हाट डू यू मीन आई एम येलिंग ऑन द सेट ऑफ मेरा अपोलोजाइज. व्हाट डज इट मीन आई विल लूज इट? येल ओनली. Think whatever. I can do a lot of other things. Let's keep it whatever. Whatever. Okay. Who's most likely to eat some bizarre? Who's most likely to experiment with food? मतलब दाल चावल के साथ I don't know, gulab jamun khala, like anything, like most experimental. I am not experimental, I am very particular about what I want to eat. Oh, okay. Dal chawal ke saath meetha to nahi khaungi main. I'm just saying ki, you've
like anything, like you'll be like, ये खा के देखते हैं क्यों नहीं? जैसे चॉकलेट पानी पूरी जैसे है, for example. Exactly. Like people are crazy about that as well. बिल्कुल नहीं यार, मतलब मैं रील देखता हूँ, मुझे तो वो देख के कुछ होता है, कैसे कर सकते हैं? कोई कोई लोग मैगी में क्या खाया था अभी? टोमेटो सॉस और समथिंग लाइक. टोमेटो सॉस तो ठीक है. नहीं नहीं कैसे ठीक है? मैगी में टोमेटो सॉस, मसाला, टोमेटो सॉस डालते हैं. वहां तक तो फिर भी बेरेबल है. कैसे यार? मैं नहीं करता हूं ऐसा. गुलाब जामुन पाव में डाल के खा रहा है, डोसे में चॉकलेट डाल के खा रहे हैं लोग, मतलब क्या पागल हो गए. चॉकलेट डोसा में, मतलब प्लीज डोंट इंसल्ट डोसा. हां मतलब कुछ तमीज होती है खाने की. मतलब मुझे ट्रोल मत करना इसके लिए, लेकिन करना है तो कर लेना यार, जो करना करो. हु इज मोस्ट लाइकली टू बी लाइक ऑन सोशल मीडिया लाइक ऑल द टाइम? नीदर ऑफ यू? नो. Not all the time, yeah. Not all the time. Have you faced like trolling? Is there a rumor about, nahin, trolling chodo, tum dono ko trolling nahi kiya hoga, I'm very sure. Like a rumor that has been true about you? Koi nahi, kabhi nahi. मतलब ट्रोल का तो मैं ये कहूंगा कि वैसे नहीं किया है, अगर किया भी होगा तो पता नहीं चला होगा. क्योंकि इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे होता ही नहीं हूँ मैं. और दूसरा कोई इतनी कंट्रोवर्सी रूमर कभी आया ही नहीं. क्योंकि किया ही नहीं कुछ ऐसा. दैट्स नाइस ना, गुड ना. एक ही रूमर आया था, शो ऑफ एयर हो रहा है, वो सच था. वो हमें लग रहा था कि रूमर है, मतलब हमको लग रहा था ऐसा नहीं है, ठीक है हो जाएगा ठीक है वैसे. या क्योंकि पहले भी, पिछले साल भी, एक साल पहले उसके एग्जैक्ट ऐसे ही रूमर्स आए थे, बट हाँ ठीक है अच्छा हो रहा है, बट उसके बाद वो सच निकला. Cool. Okay. I'm gonna give you words and you have to sing songs. Don't make me sing. As in, it's not a singing competition. 100%. Okay. Ready? So, मैं आपको word दूँगी. You have to give me maximum songs. We're not going to do 30 seconds. 30 seconds थोड़ा कम है. 45 seconds, I think, is good. ठीक है? Ready? 45 seconds में क्या करना है? तो मैं for example एक word दूँगी. For example, like light. तो आपको light जितने भी सॉन्ग्स है व्हिच हैज दिस वर्ड लाइट आपको गाने. लाइक यू डोंट हैव टू सिंग द एंटायर थिंग, यू जस्ट हैव टू गिव मी वन लाइन. या रेडी? हु डू यू, किसको साथ करना है? लेडीज फर्स्ट. ओके रेडी. वाह, यो अभी तक लेडीज फर्स्ट नहीं हो रहा था, अभी तक जो हो रहा था. नहीं नहीं नहीं, ओके आई कैन स्टार्ट विद ओके. ओके योर वर्ड इज प्यार. प्यार होता है बेकार, क्या नाम था उस गाने का? अरे वो गाना होता है प्यार होता, प्यार होता कई बार है. प्यार होता कई बार, पता चला सिंगल क्यों है. व्हाट? पता चला सिंगल क्यों है, बिकॉज़ प्यार बेकार है. सॉरी सॉरी, टू यू 3 सेकंड्स ऑफ योर्स, कम कम. ओके, प्यार होता कई बार है, प्यार बाबा, प्यार प्यार किया तो डरना क्या, ऐसे भी कोई गाना है क्या? मूवी है पर आई डोंट नो सॉन्ग. तो डर प्यार किया तो डरना क्या. ओके प्यार, अरे इतना ही, मैंने तुझसे प्यार किया है तू है, अरे आई थिंक प्यार किया है तू है मेरी जान. ओके तीन हो गए. प्यार 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 प्यार. ओके यू हैव व्हाट? ओके प्यार डन. Three songs. Three. Not bad. Not bad at all. Not bad at all. But itna easy word tha yaar. Okay, I'll see. Be also something easy. Pyar to itna easy word hai matlab. Okay, your word is dil. Dil hai ki maanta nahi. Dil dil kya? Dil dil dil. Main tere pyar mein khoya. Hey, gana Atish ka. Hame bata rahe. Dil hai ki maanta nahi. Dil hai ki maanta nahi. नहीं, दिल तो बहुत इजी वर्ड है. मेरा दिल तो कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे है. कि तीन ही तो हुए? चार हो. कैसे? चार हो गए. चार हुए. उन्होंने एक वर्ड में गाना गा दिया था, एक वर्ड मतलब ऐसे दिल दिया, समझो दिल दिया है जहां भी देंगे ए वतन तेरे लिए. तीन सेकंड बचे. चल रही है जीत. Good job. Thank you. Okay, now for the last, because I don't want her to lose also. Okay. you have to mimic him and you have to mimic her. Okay. And whoever does the better mimicry will get the, like whoever you decide, I can't decide, I'm not a director.
Ready? You have to mimic him on set. Yeah, in a scene. Let's go. ये इलज जाएगा ना, ये इलज जाएगा, मैं इलज जग के गिर जाऊंगा. इलज ना क्या होता है भाई, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है. इलज जाएगा. मैं क्या कह रही हूं, इसमें लिखा है ये लाइन ऐसे लिखी है, यहां हाँ. मेरा काम है बताना, मैं बता रही हूं. पता नहीं. दिस इज व्हाट Ask her only if she does the same Good thing. Job. Not bad at all. Okay. इतनी आँख मटका के और ऐसे ऐसे. नहीं करती है ये. करती है. जब मतलब से प्रूव करना होता है ना कि ये सही है, तो करती है. तो मैं ऐसे बोलती हूँ बड़े अच्छे से कि इधर लिखा था. वो वही है, वो एक महीना दो महीना के टाइम पे ये ऐसा था. फिर धीरे धीरे टाइम जाते जाते ऐसा हो गया था कि I know what I am doing. हाँ. Yeah. इलजना विलजना तो okay. हमारे यहाँ ऐसे ही बोलते हैं. इलजना मतलब क्या? उलझ जाएगा. हमारे घर पे ऐसे ही बोलते हैं. One more thing. क्या? मैं भूल गया, लेकिन एक और एक थी चीज. यस रे. जो मैं बोलती हूँ ना, हमारे ऐसे ही बोलते हैं. मुझे भी याद नहीं आ रहा. ठीक है, कोई बात नहीं. ओके, योर टर्न. ओ का मतलब ही हैज दिस जेस्चर. मतलब जब कोई कुछ गलत कर रहा है, लाइक कोई क्रिएटिव आया है बोलने के लिए कि सर ये, एंड ही नोज दैट ही इज रॉन्ग एंड ही नोज दैट, तो ही विल जस्ट गिव दिस लुक. ओह वाओ. अच्छा, फिर अगर ये हुआ ना, मैं कह रहा हूं मैं 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करके जाऊंगा. यही कॉस्ट्यूम है पक्का. चल पूछ क्या. मैं रेडी हूँ, तू पूछ क्या. मुझे 2 मिनट लगेंगे, तू पूछ क्या. फिर वो आता है, सर नहीं सर वो ये वाला नहीं है, वो आयरन हो रहा है. आगे की लाइन बता दो. YouTube चैनल ने बता, तू जा. दिख मत जाना. क्या दिख मत जाना. गुड जॉब यार. गुड वन. सो नाइस. आई लव द ट्रांजिशन. ओके, आई लव प्रभात सर. ही इज बीन योर डायरेक्टर एज वेल. तो एक फनी चीज दैट लाइक आई थिंक यू शुड मिमिक हिम. आई थिंक वी विल सेंड दिस क्लिप टू हिम. ये मैं करूंगी. हाँ, प्रभात सर की मिमिक्री करेंगे हम. सॉरी, मैं नहीं करूंगी. क्यों? नहीं. अरे नहीं, ज्यादा हो जाएगा. अरे नो यार, ही इज द स्वीटेस्ट. अच्छा भाई. नो. मैं करता हूं, क्योंकि मैं तो अभी इनके साथ काम भी कर रहा हूं. yeah, तो yeah, yeah. पहले भी प्रभात सर, दिस इज फॉर यू. रेडी. उनका क्या है ना, मेरा क्या है ना भाई, मैं 12 घंटे काम करता हूँ. मैं कई बार आप देखोगे यहाँ पे, मैं 6-7 घंटे में पैकअप करके घर पे भेज दूंगा सबको. मेरे को भी इतना ही काम करना है. हाँ, आपने पढ़ा ना, कोई नहीं बोलेगा, कोई लाइन नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगा. मैं डायरेक्टर हूं, मैं बोलूंगा, मैं आ रहा हूं. आप लोग बस लाइन बोलते रहो, मैं पीछे से बोलता हूं, आप बस मास्टर ऐसे ही करो, मैं बोलता रहूंगा, आप करते जाओ. ठीक है, ओके, रेडी. हाँ, क्या राणा, देखना यार, राणा तू, तेरा क्या मतलब है यहाँ आने का, जब मेरे को ही सब काम करना है, जब मुझे ही सब कुछ करना है. बताओ भाई. अंगद भाई, क्या करूं अंगद भाई, क्या करूं इसका मैं. चलो कोई बात नहीं सर, करते हैं. पक्का आप ठीक हो ना, आपका मूड ठीक है. हाँ, मेरा मूड ठीक है. नहीं, ऐसा लग नहीं रहा है. क्या कुछ हुआ है, बताओ. पक्का ना. हाँ सर, कर लो जैसे करना है. आप मुझे क्यों बोल रहे हो, मैंने क्या किया. Really nice.
Yes. ये डेढ़ साल का निचोड़ निकला ये. नहीं, मेरे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं यहाँ नहीं दिखा रही. YouTube पे भी सही टाइम पे रुक गई. ओके, विनर, मेरे पास विनर है. लेडीज एंड जेंटलमैन, द विनर इज मिस्टर कुमेरिया. Okay. Congratulations so much, and thank you. Played very well, did very well, and I'm really sorry, but you also played very well. तुम बोल दो मैंने Miss India का खिताब जीता है, मतलब Miss India finalist थी, तो मैं I don't need this. हाँ, मेरी तरफ से काम करो, सुनो ना, तुम लोगों को तो आदत होगी ना कि कैसे बोलना है, whatever. You can say a speech. No, what for? Why for you? For me. You and the amber. Okay, fine. Oh, thank you so much. I really enjoyed. बहुत अच्छा interview किया. एंड हम पहले आने की बहुत कोशिश कर रहे थे, बट आ नहीं पा रहे थे, नहीं आ पा रहे थे, और अब आए तो देखो जीत के जा रहे हैं, जीत के जा रहे हैं. So thank you so much for coming, being the love. लिखो इनकी आंखें गड़ी हैं. क्या चाहिए? Thank you so much again for coming and being so honest and lovely, and I hope that we've finally broken the ice and Yes. I hope to see you again very, very soon. Sure. With your respective real partners in the future, and hopefully you both work together again. Remember to have fun in life, and also add spice in your life. Little is great, but too much will cause tummy problems. No, we don't want that, do we? Love you. Bye. Mwah. टीवी स्टार्स की ऐसी ही चटपटी स्पाइसी वीडियोस देखने के लिए हमारे हिंदी टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे.